सेट पॉइंट सेट करने के लिए ये एसवी है सेट वैल्यू, तो फर्स्ट बटन को तो SP1 आएगा, तो इससे आप सेट वैल्यू चेंज कर सकते हो कितना टेम्परेचर चाहिए। ओके, इसे सेट हो गया। अभी प्रोग्राम करने के लिए सेट पॉइंट, तो सेट पॉइंट में हमारा प्रोग्राम क्या है, इसको फिर से एक बार दबाया तो ये माइनस वैल्यू है जिसको नहीं चेंज करना है, SP1 है जो हमने जितनी भी सेट की है, NSP तो अभी हमने ये 1 रखा है, हाई लिमिट 9999, बस ये तीन चीज़ है, बाहर आ गए। उसके बाद आएगा इनपुट, आपका जो सेंसर है वो कौन सा है, जे टाइप है, तो अभी हमने ये एंटर दबाया तो अभी ये PT1 है, अगर आपका चेंज करना है, सॉरी इसको दबाना है, ये अगर फ्लैश होता है तभी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी भी हमारा जे टाइप है तो हम ये जे टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी PT है तो हम PT रख के आगे जाते हैं। फिर इसको कुछ नहीं चेंज करना है। अच्छा, ये यूनिट है सेल्सियस में चाहिए या फेराड में चाहिए, तो हमने सेल्सियस में सेट किया हुआ है। उसके बाद में आएगा इनपुट, के बाद में आएगा आउटपुट, तो आउटपुट H2C3 है जिसको नहीं चेंज करना है। फिर आएगा आउटपुट, ये 4 to 20 मिली एम्पियर का है, तो ये सेटिंग यही रखना है। OP1 में COP रखना है, अगर आपने टेम्परेचर रखा तो ये वैल्यू इधर अलग बताएगी, लेकिन आपको COP रखना है। ओके, उसके बाद में आएगा आउटपुट 2 ऑफ रखना है, आउटपुट 3 ऑफ रखना है, ये सब पैरामीटर को चेंज नहीं करना है। उसके बाद में आएगा आउटपुट, के बाद में आएगा अलार्म 1 में कुछ नहीं चाहिए, अलार्म 2 में कुछ नहीं चाहिए, RE9 उसमें कंट्रोल बाय PID, तो ये PID है, उसको ऑन ऑफ में रख सकते हैं, लेकिन हमारे को PID चाहिए इसलिए हमने PID रखा। फिर आगे आएगा फंक्शन, तो हीट, अगर आपको रिवर्स मोड में चलाना है तो इधर आप एंटर दबा के कूल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो भी एप्लीकेशन है उसमें हीटिंग मोड है तो वो हीटिंग मोड करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा ऑटो ऑफ रखना है, PB10 है जो PID का जितना भी है फंक्शन ये इतना बताता है, आपको ये चेंज नहीं करना है। उसके बाद आएगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ चेंजेस नहीं है, ये सेम है। फिर उसके बाद आएगा पासवर्ड डिसेबल रखा है, हमने कुछ पासवर्ड नहीं डाल के रखा है। उसके बाद आएगा रीसेट, अगर इसको फैक्ट्री रीसेट करना है जैसे नया आया था, तो उसके लिए इसको दबा के इसको यस करके फिर से कंफर्म करना होता है, लेकिन हम इसको भी ये नहीं करते हैं। ये आपका ये हो गया, ये सेंटीग्रेड में दिखाता है, ये 300 वैल्यू, ये चेंज करनी है तो जैसे मैंने बताया ये फर्स्ट को दबा के रखना है, तो SP1 को आप इधर से चेंज कर सकते हो। ये हमारा 4 to 20 जो आउटपुट है वो 100% पे बताता है, ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर बताता है। अगर हमने इसको गर्म किया और 300 डिग्री जैसे पहुंचने को आएगा यानी 200 डिग्री, तो ये 4 to 20 100% डाउन जाएगा।